उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक घर में बिजली के बिल को लेकर जो हुआ उससे हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं आया कि सिर्फ एक बिजली के बिल को लेकर घर में ऐसा कोहराम मच जाएगा और गोलियां तक चल जाएंगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल हापुड़ में दो सगे भाइयों में बिजली के बिल को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ही ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी। गोली लगने के बाद आरोपी बड़ा भाई मौके से फरार हो गया, तो वहीं घायल छोटे भाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी बड़े भाई की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सपनावत में जुगल किशोर शर्मा नाम का शख्स रहता है। ये भाजपा का पूर्व मंडल महामंत्री रह चुका है। वो किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था। इसी दौरान घर में छोटे भाई सोनू शर्मा की बिजली के बिल को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि घर वापस आए जुगल किशोर को जैसे ही इस विवाद की जानकारी हुई, उसने गुस्से से अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली। आरोप ये भी है कि बड़े भाई जुगल किशोर ने अपने ही छोटे भाई सोमेंद्र और सोनू को 3 गोलियां मार दी। मौके पर हड़कंप मच गया। परिजन सोनू को फौरन अस्पताल लेके गए। मौके का फायदा उठाकर आरोपी बड़ा भाई वहां से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही कपूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसी इलाके में रहने वाले स्थानीय ने क्या बताया, पहले वो सुनिए आप। क्या नाम है आपका? नितिन सर। कहाँ पर आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं हापुड़ देवनंदनी हॉस्पिटल में हूँ। इनके बड़े भाई जुगल किशोर शर्मा ने छोटे भाई अपने को सोमेंद्र शर्मा को बिजली चलाई, जिसमें 2 फायर करी। घरेलू झगड़े के केस में ही आपस में झगड़ा था, जमीन उसमें फायर करा। तो कितनी गोली मारी है? 2 फायर करी है। फिलहाल एक तो लगी हुई है उनके, दूसरी का भी पता नहीं है कि लगी है या नहीं लगी है। दूसरे एक तो दिख रही है। वही पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। थाना क्षेत्र कपूरपुर के ग्राम सपनावत में बड़े भाई जुगल किशोर शर्मा के द्वारा अपने छोटे भाई सोमेंद्र शर्मा को मामूली कहासुनी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है, जो घायल सोमेंद्र शर्मा के पेट में लगी है, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में हापुड़ में हो रहा है। मजरूह के परिजनों की तरफ से जो है FIR पंजीकृत कराई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।